अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों कैसे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है सोलर और इसकी क्वालिटी के बारे में। अक्सर हम लोग सोलर पैनल ख़रीदते वक्त ये सोचते हैं कि कौन सी कंपनी का सोलर ख़रीद लें, या ये सोचते हैं कि महंगा सोलर पैनल ख़रीद लेंगे तो अच्छा होगा। सोलर पैनल महंगा होगा तो काम भी सही करेगा, लेकिन क्वालिटी के बारे में हम नहीं सोचते कि इसकी वोल्टेज कितनी है और करंट कितना है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि हर महंगी चीज़ ही अच्छी हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी के बारे में, वोल्टेज के बारे में और करंट के बारे में। ये चंद बातें आप जहन नशीन कर ले ताकि मुस्तकबिल में आपको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। तो इस वीडियो में हम आपको दो अलग कंपनी के सोलर दिखाएंगे, वीडियो को गौर से देखिए। और ये वीडियो जिसने बनाए हुआ है मैसन सोलर कंपनी वाले, तो इनका जो ना मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप लोग उनसे पूछ भी सकते हो, रेट के बारे में पूछ सकते हो और क्वालिटी के बारे में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन और आल के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो देखते हैं। अभी ये आप चेक कर सकते हैं, बारी बारी आपको सब चेक करके देंगे, ठीक है ना। और ये इसमें एक मसला ये है ना कि अगर आप लोग एक बार जो है इसको इसमें लगा ले, स्टैंड में लगा ले, फिर स्टैंड से उतारो तो मसला ये होता है फिर टूट भी जाते हैं, फिर आपको दोबारा जो है मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर डबल डबल खर्चा आ जाते हैं। जब भी आप लोग तो या तो उधर चेक किया कर ले, या तो आप ऐसे कर ले किसी से पूछ लिया करें भाई कौन सी कंपनी अच्छी है, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो ना आप वोल्टेज देखोगे उसमें और इसमें इतना फर्क नहीं, लेकिन एक वो है 360 का और ये है 340 का, फिर भी ये अच्छा है। मैं दोबारा आपको वीडियो पूरी मुकम्मल दोबारा दिखाऊंगा, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एक बार अगर खर्चा करते तो एक बार ही कर लिया करें, ठीक है ना। बार बार जो ना वो उतारो, ये शीशे होते हैं आपको पता है, अगर ये थोड़ा सा जो ना क्रिक हो जाए फिर भी काम नहीं करते, तो बेहतर ये रहता है कि आप लोग पहले चेक कर लिया करें, लेते वक्त जो ना चेक कर लिया करें, किसी से पूछ लिया करें। आजकल तो बहुत से मार्केट में बहुत सी कंपनी, अभी ये जो जिस कंपनी का मैं बनाया हुआ है फेसबुक पेज बनाया हुआ है, आप उस पर जा सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर पे जो ना आप इनसे रब्ता कर सकते हो, ठीक है। ये मैसन वाले हैं, ठीक है ना, सोलर वाले, तो इनसे आप अगर रब्ता करना चाहते हो तो जो ना डिस्क्रिप्शन में इनका जो मैं लिंक व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, तो आप लोग उनसे रब्ता कॉल करके रब्ता कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, तो वो बेहतर रहते हैं। दोबारा बार बार लगाने से बेहतर एक बार आप जो ना खर्चा कर लो, एक बार आप चीज़ ले लो और अच्छी क्वालिटी की चीज़ ले लो, ठीक है ना। ये मत देखा करो कि ये जो ना इसका नाम है और ये महंगा है इसलिए अच्छा है, चीज़ ज़रूरी नहीं कि महंगी चीज़ ही अच्छी हो, कंपनी में बहुत बहुत फर्क होते हैं। तो मैं आपको जो ना ये वीडियो मुकम्मल दिखाता हूँ, वो बंदा खुद ही आपको बता देता है सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम, अभी हमारे सामने दो पैनल्स हैं, एक मेसन 340 वाट है और एक कैनेडियन 360 वाट हाफ कट है, ठीक है। हम इन दोनों की एक साथ टेस्टिंग कर रहे हैं, देख लें दोनों सेम एंगल पे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हम इनके ओपन सर्किट वोल्टेज पे, ये आ रही है हमारे पास 44.7 आ रही है, और ये इसके स्टिकर है जो कि हम एंड में भी दिखाएंगे, तो इसकी वोल्टेज 47 यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम मेसन की चेक करते हैं, जी अब ये देखें, ये मेसन की आ रही है 40.7, ठीक होगी, ये होगी 40.7। अब हम इसका करंट चेक कर रहे हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 8 9.23, ये 9.32 36 9.36 37 38 9.4 मैक्सिमम गया इसका, जबकि इसके आपको मैं इस पर दिखा दूं, इस पर 9.12 मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये हमारी एफिशिएंसी दे रहा है। अब हम कैनेडियन सोलर पैनल्स की भी चेक करते हैं, और ये कैनेडियन 7.46 दे रहा है, उसी एंगल पे उसी तरतीब पे देखें, ये मैक्स 8.7 तक जा रहा है। और इसकी हम रेटेड देख देते हैं, स्टिकर पे लिखा हुआ है 9.10,